एसकेपी सेवन न्यूज शेखपुरा। विभिन्न मांगों को लेकर राजद का समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना। अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को राज्य मुख्यालय के निर्देश पर जिला राजद ने जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व राजद के प्रदेश नेता विजय सम्राट ने किया। इस मौके पर विजय सम्राट ने कहा कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 204 सेकंड अधिक बच्चों की मौत के बाद भी बिहार के मुख्य धरना दे रहे हैं, किन कारणों से दे रहे हैं? जिला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हम लोग धरना पेयजल, सुखाड़, बिजली, चमकी बुखार, इसी पर्पस सरकार की विफलता के कारण में हम लोग इन स्थानीय प्रशासन एवं बिहार सरकार जन समस्या को लेकर मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह में 7 सेकंड 8 बजे तक बिजली को गुल रखना नगर प्रशासन की नाकामी है। यदि कोई मोटर से मुख्य जल पाइप से पानी खींचता है तो नगर प्रशासन को उसके ऊपर FIR करनी चाहिए, न कि बिजली गुल करवा देना चाहिए। इससे आम लोगों की जन समस्या खड़ी हो रही है, लेकिन नगर प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि किसान पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सिंचाई की व्यवस्था सरकार को नहीं कर पाना सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में 204 सेकंड अधिक बच्चों की मौत पर बिहार सरकार की ठोस पहल नहीं किए जाने से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आक्रोश में है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला कार्यालयों में बड़े पैमाने पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस पर जिला प्रशासन और सूबे की मुखिया यदि रोक नहीं लगा पाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन करेगी। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष विजय कुमार यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव, शंभू यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल। आज धरना दिया जा रहा है, कल से आमरण अनशन किया जाएगा। जितना जो भी हो सड़क पर हम लोग निकल लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विजय सम्राट, प्रदेश महासचिव राजद बिहार।